सो हेलो भाई, कैसे हो? मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हो हमारा आपका चैनल टेक्निकल भैया जी। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं RC21 के एक ऐसे प्रूफ के बारे में जो RC21 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब उस प्रूफ में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करना तो लाइक कर दो, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आज एक क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में इंट्रो दिया है, वो किस यूट्यूबर से इंस्पायर्ड या कॉपीड है। तो गाइस यार, जो भी इसका सही जवाब देगा सबसे पहले उसका कमेंट मैं पिन करूंगा। और क्या इन फ्यूचर आप ऐसे टॉपिक्स देखना चाहते हो जिस तरह से मैंने आज किसकी कॉपी की, कल किसी और की आवाज़ कॉपी करना चाहिए, तो उसके लिए कॉमेंट में ज़रूर से बताना। तो गाइस यार, चलो आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो गाइस यार, वो प्रूफ है ये। देखो यार, इसके बारे में आप कहोगे कि यार क्या इसमें मतलब है क्या। तो गाइस यार, इसका सबसे पहले आप टॉपिक देखो क्या है, RC21 क्यूरियस, RC21 की जिज्ञासाएं, ठीक है। वी आर फेसिंग लॉट ऑफ इशू विद द कोविड सिचुएशन इन द कंट्री एंड देयर विल बी डिलेज, वी नॉट हैव एनी डेट्स RC21 अस नाउ, होप फॉर योर सपोर्ट इन दिस टफ टाइम्स। तो गाइस यार, सबसे पहले इन्होंने कहा RC21 की जिज्ञासा है, हम इस वक्त बहुत बड़ी कोरोना महामारी की समस्या से अपने देश के साथ जूझ रहे हैं, तो इसकी वजह से कुछ आपत्ति या विपत्ति जो देर हो रही है वो गाइस हो रही है, ठीक है। एंड उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी कोई भी ऐसी मतलब फिक्स रिलीज डेट नहीं है, और हम आशा करते हैं कि आप ऐसा ही सपोर्ट हमें इन कठिन दिनों में बनाए रखेंगे हमारे साथ। तो गाइस यार, देखो यार, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा। देखो यार, अभी क्या चल रहा है, कोरोना, ठीक है। तो गाइस देखो, कोरोना टाइम चल रहा है यार, कितने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो देखो गेम गाइस यार, डजेंट मैटर। अगर आप लोग कहो तो आपके फेवरेट यूट्यूबर जो टोटल 11 उनकी आवाज़ में कहो, तो गाइस यार वैसा गेम डजेंट मैटर यार, मतलब वैसा टेंशन वाली बात नहीं। बट अभी तुमको क्या है बोलो यार, मतलब गेम के पीछे ऐसा भागने का नहीं। देखो गेम गेम होता है और आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा बढ़ के गेम नहीं होता। तो गाइस यार, ऐसा मतलब समझ रहे हो ना। तो गेम देखो यार, गेम को गेम की तरह लो। और यहाँ पे जो RC ने कहा था कि मतलब इससे पहले जो एक प्रूफ दिखाया था उसमें कहा था कि हम आपके जो आपका इंतज़ार है उसको वेस्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो गाइस यार, आपने अनुज मांकर का इंटरव्यू देखा होगा, आप उस बंदे को देख के आपको क्या लग रहा था? मुझे गाइस उस बंदे को देख के ना ऐसा काम एंड कूल बंदा देखने को लग रहा था। और साथ में देखोगे ना तो उस बंदे के अंदर से एक चीज़ देखने को मिल रही थी, टैलेंट। एंड गाइस यार, ऐसा लग रहा था जैसे ये बंदा काम एंड कूल है और वादे का पक्का है। तो गाइस, काम और कूल लोग क्या करते हैं गाइस, काम एंड कूल लोग जो होते हैं ना वो गाइस हमेशा जो, अब जैसे MSD को ले लो, तो गाइस यार वो जब भी उनकी टीम डिफरेंट सिचुएशंस में होती थी, गाइस अभी तो यार थोड़ा सा वो उनकी एज है, बट फिर भी अभी अच्छा खेल लेते हैं, अभी टाइम नहीं हो। बट आप 2018-19 के IPL में आपने देखा होगा, जैसे उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स किसी प्रॉब्लम वाली टाइम से जाती थी, यानी 2-3 विकेट पावर प्ले में ही गिर जाती थी, 3-4 विकेट, फिर वो कैसे आराम से डिफेंसिव खेलते थे, लेकिन लास्ट में वो सारा रन रेट कवर कर लेते थे। वैसे ही गाइज अनुज मांकर, वो अभी गाइज बहुत टाइम लेंगे, मतलब वो थोड़ा टाइम लेते हैं गाइज, 1 महीना 1.5 महीना। लेकिन गाइज यार, ये वैसे सीओ नहीं कि टाइम लो और आपका चूतिया काटे गाइज, ऐसा बिल्कुल भी सीओ नहीं। ये सीओ वन ऑफ द बेस्ट सीओ है गाइज यार, आपको टाइम ये लेंगे लेकिन आपको काम भी अच्छा करके देंगे। और गाइज यार, एक गेम के पीछे मत पड़ो आप गाइज यार, देखो आप खेलोगे में यार अभी भी इंजॉय कर सकते हो यार, क्या हमें चाहिए, क्या हमें ग्राफिक्स देंगे, हम 15 दिन बाद फिर कहेंगे कि यार ग्राफिक्स बोरिंग हो गए, फलाना ढिमकाना। तो गाइज यार, 15 दिन के लिए क्या हम इतना ज़्यादा मतलब हाइट क्रिएट करना सही है गाइज, थोड़ा सा वेट करो गाइज यार, कहते हैं ना इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, एक गेम के पीछे इतना ज़्यादा पागल मत हो, चाहे कोई सा भी गेम हो गाइज, और इतना ज़्यादा बेफालतू में कंपनी को मैसेज मत करो, वो भी नहीं चाहती कि आपको इतना डिले करे। बट गाइस, सिचुएशन सी ऐसी हो तो बताओ कंपनी क्या करे। अब गाइस ऐसा तो है नहीं कि मतलब लिख दिया गेम बन गया गाइस यार, कभी आप एक 2D एनिमेशन ही बनाना फिर आपको पता चलेगा गाइस यार कि क्या हार्ड वर्किंग लगती है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, गेम को जब आना होगा वो आ जाएगा गाइस, आपको 1.5 महीना के आसपास एशिया कप में आपको वेट करना होगा, क्योंकि देखो यार IPL में अगर लॉन्च करना होता तो अभी तक वो लॉन्च कर चुके होते। तो आप एशिया कप का वेट करो,
वहाँ पे आ जाएगा। तो गाइज यार गेम गेम को गेम की तरह लो, इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और स्टे सेफ स्टे होम गाइज यार सुना ही होगा, और गाइज सैनिटाइज करते रहो हाथों को गाइज, और ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं गाइज, आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।